राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक रवि राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, जो मुझ पर आरोप लगाते हैं, जो मुझे जेल में डालते हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। क्या विधान भवन में हनुमान चालीसा लाना भी अपराध है? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बोलना या मातोश्री जाना अपराध है? ऐसा सवाल भी उन्होंने इस वक्त उपस्थित किया। ये देखो, आज 101 बार हनुमान चालीसा का वाचन करके जो घर के अंदर BMC की नोटिस मुझे दी है, उसी घर में मैंने पढ़ा और वहाँ से आया विधि मंडल के अंदर मैं आया हूँ वोटिंग करने। भाजपा के तीनों उम्मीदवार बहुमत से चुन के आएंगे और बार बार उद्धव जी ने हनुमान चालीसा का जो अवमान किया, अपमान किया और औरंगाबाद के सभा में भी हमको चैलेंज किया कि आप जाके कश्मीर हनुमान चालीसा पढ़ो, क्यों महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? महाराष्ट्र के मातोश्री पे आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते? अगर हनुमान चालीसा उद्धव जी मातोश्री पे पढ़ेंगे, उसी दिन कश्मीर में जाके मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये उनका आह्वान करता हूँ। और राजनीति का बहुत बड़ा भूकंप यार, राज्यसभा के चुनाव में मालूम पड़ेगा कि किस तरह से राजनीति भूकंप होता है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, उनको लक्ष्मण जगताप खूब एम्बुलेंस से आके उन्होंने वोटिंग किया, उस पर से मालूम पड़ता है कि देवेंद्र फडणवीस जी पे प्रेम करने वाले कितने लोग हैं। ऐसे मेरे जैसे कई अपक्ष उनसे तन मन से जुड़े हैं, शरीर से तो भी अगर शिवसेना के साथ रहेंगे पर तन मन से देवेंद्र फडणवीस जी के साथ हैं, ये ध्यान रखें। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.